न्यूज इन्फ्लुएंसर में बी क्लासिफाइड एज ब्रॉडकास्टर। ये एक न्यूज आई, छोटी सी न्यूज दे देते हैं अखबार में, कहीं छोटे से कोने में दे देते हैं ताकि लोग पूरा ना पढ़ सके या डिटेलमेंट ना ले सके उसकी। लेकिन इतना डर देख के पहली बार बड़ा अजीब सा महसूस हुआ भाई। मतलब सरकारों को, यूट्यूब वालों से भी इतना डर लगने लगा, यूट्यूब चैनलों से इतना डर के। उसका एक रीजन भी है, 2014 का जो चुनाव हुआ था, 2014 का चुनाव पूरा का पूरा मीडिया के ऊपर लड़ा गया था, टीवी के ऊपर लड़ा गया था। 2014 का चुनाव पूरा टीवी के ऊपर लड़ा गया था। 2019 का जो चुनाव था वो लड़ा गया था व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के ऊपर लड़ा गया था, क्योंकि इनके पास टीमें बहुत बड़ी बड़ी थी तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लड़ा। लेकिन जो 2024 का चुनाव लड़ा गया ना, ये 2024 का चुनाव लड़ा गया यूट्यूब के ऊपर लड़ा गया। आपने देखा होगा मंडिया या मंडियों के दलाल लगातार लगे हुए थे, अब की बार 400 पार से नीचे किसी ने भी नहीं दिखाया था। चाहे कोई कहता ना कि मैं निष्पक्ष टीवी चैनल वाला हूं, उसने भी 400 से नीचे सीटें नहीं दिखाई थी। और हमने ये कहा था कि 250 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, आप पीछे के वीडियो उठा के देख सकते हो, कहीं सोचो ना आज ये बात बोल रहे। हमने ये कहा था बीजेपी अपने दम पे 250 भी क्रॉस नहीं कर रही है, 250 भी क्रॉस नहीं करेगी, फिर ये 400 पार का नारा कहां से लेके आ गए, ये 400 पार का नारा आया कहां से, ये बात सोचने वाली थी ना। लेकिन आया ये टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब पे भी इन्होंने अपने बड़े बड़े चैनल बना लिए। लेकिन उन बड़े चैनलों को भी छोटे चैनल वालों ने टक्कर दे दी, ऐसी टक्कर दे दी कि समझ में नहीं आया किसी को भी। टीवी वाले कुछ बोल रहे थे, जो यूट्यूब पर हमने जो दिया था सर्वे दिया था अपना, तकरीबन 80% फिट आया था, 80%। ये तो पंजाब में भी 4 सीट दे रहे थे, बीजेपी को 4 सीट दे रहे थे पंजाब में। हमने कहा था वहां तो खाता भी नहीं खुलेगा, ये तो हरियाणा में 10 की 10 दे रहे थे। और हमने कहा था भाई टक्कर अब की बार हरियाणा में, वो उक चुक लग गई, नहीं तो 8-2 का रिजल्ट भी हो जाता, 8-2 का रिजल्ट भी हो जाता। लेकिन अब जब सरकारों को लग गया कि भाई ठीक है यूट्यूब के ऊपर ऐसा कुछ होने लगा, तो अब ये यूट्यूब के जो चैनल वाले ना, इनको ब्रॉडकास्टर्स के उसमें डाल लेंगे। मतलब जो टीवी का है ना, होता है ना ब्रॉडकास्टर बिल के नए मसौदे में, न्यूज इन्फ्लुएंसर्स को ब्रॉडकास्टर की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें उनके लिए डिजिटल समाचार प्रसारक की श्रेणी बनाई जा सकती है। यह ब्रॉडकास्ट सेवा अधिनियम बिल 2024 का दूसरा मसौदा है, जो मौजूदा केबल टीवी नेटवर्क कानून 1995 की जगह लेगा। इस बिल का मसौदा राय लेने के लिए हितकारकों से साझा किया गया है। कौन से हितकारकों से, किस यूट्यूब चैनल वालों को बुलाया गया है कि उससे बातचीत की गई, किसी यूट्यूब चैनल वालों को बुलाया गया? चलो हमारा तो छोटा सा यूट्यूब चैनल है, 1 लाख अपने तो सब्सक्राइबर है, लेकिन जिनके मिलियनों में सब्सक्राइबर है, क्या उनको बुलाया गया? दूसरी बात, आप ब्रॉडकास्टर के उसमें किसको रखोगे, जो न्यूज की बात बता रहे हैं उसी को तो रखोगे ना। हम तो बीच में दूसरे टाइप के वीडियो ही बनाते हैं, दूसरे वीडियो ही बनाते हैं, न्यूज के ऊपर तो नहीं चलते ना, और वीडियो होते पर्सनल होते वो भी बनाते हैं। तो किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा, ये तो खैर कानून आएगा, बातचीत होगी तो उनको समझाना तो पड़ेगा, कोई कानून लेके आते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, सरकार कोई भी कानून लेके आती है ना, जिनके लिए कानून लेके आती है उनको तो समझ में नहीं आता, और जिनको मतलब ही नहीं कि कानून बना दिया उनको पूरा पता रहता है। कमाल है ना, यूट्यूब वालों को पता ही नहीं कौन सा कानून आ गया। जो ये इन्फ्लुएंसर हैं या जो दूसरे टाइप के वीडियो बनाते हैं, ध्रुव राठी है, वो कभी किसी का बांग्लादेश पर बना दिया, कभी ब्लैक होल पर बना दिया, 2-4 वीडियो बनाए थे उसी से मतलब इनकी धरती हिल गई थी। नहीं भाई, न्यूज के चैनल में तो फिर न्यूज वाले उसमें लेना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, आप लीजिए, लेके आइए कानून को, हम कानून के दायरे में रहेंगे। लेकिन ये मंडिया और मंडियों के दलालों को कानून के दायरे में कौन जाएगा? ये इतनी नफरत फैलाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी सिख हिंदू, ये इतनी नफरत फैलाते हैं, इनको कौन से दायरे में रखा जाएगा? जबकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कितने बार बोला है कि इनके ऊपर 1 लाख नहीं, कई लाख रुपए जुर्माना लगना चाहिए, जो ये इतना झूठ फैलाते हैं। हम तो वही बताएंगे जो सच होगा, ये झूठ दिखाएंगे, हम उस सच को लेके आएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है क्या? पहले उन पर कानून लागू कीजिए ना, जिनको चौथा शतम बोला जाता है। इसके ऊपर ना बड़ी अच्छी बात बोली रवीश कुमार ने, रवीश कुमार को तकरीबन सभी जानते हैं, उसने बड़ी अच्छी बात बोली है भाई। बिल्कुल ये होता कानून के दायरे में रह के बोलना, क्या ये लोग ब्रॉडकास्टर्स या ओटीटी नहीं है जिनके लिए कानून आने वाला है? इस पर कौन सा कानून लागू होता है, इसी का हिसाब बताए सरकार की। दुनिया के इस थर्ड क्लास मीडिया का क्या स्टैंडर्ड है जो कानून बना रही है बाकियों के लिए? इस मीडिया का भी स्टैंडर्ड थोड़ा तय कर दे सरकार तो अच्छा रहे। इनका स्टैंडर्ड क्या है? इनका स्टैंडर्ड तो कुछ भी नहीं, 0, 165 में नंबर पे है दुनिया में अगर देखा जाए तो। 165 में क्यों लोग यूट्यूब के ऊपर आकर न्यूज गाओ करते? क्योंकि इन्होंने कभी सच्चाई दिखाई ही नहीं, और ये आज भी सच्चाई नहीं दिखा रहे, आज भी नहीं दिखा रहे सच्चाई। असली बात यह है कि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव यूट्यूब पर लड़े जा रहे हैं। कमाल की बात यह कि यूट्यूब पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। अपने पास एक फोन आया था पुलिस की तरफ से कि भाई ठीक है तू यूट्यूब पर चैनल बना रहा है, या तो तेरे से सरकार बात करेगी, नहीं तो फिर हो सकता हमारे को बात करनी पड़ेगी।
इसका मतलब मेरा आज तक समझ में नहीं आया है, भी सरकार क्यों बात करेगी या फिर उनको क्यों बात करनी पड़ेगी। अच्छी बात अगर बैठ के बात करते हैं, या वो जो भी अपने पीछे भी कई शब्दों के ऊपर बैन लगाया हुआ है, भाई ये शब्द इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं कर रहे हम उन शब्दों को इस्तेमाल, नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम लोगों को सच्चाई मिल रही थी, उस सच्चाई को भी क्यों गुम करना चाहते हो। अभी सुनिए, इस कानून में इसमें कहा गया है, जो लोग नियमित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं या ऑनलाइन करंट अफेयर के बारे में लिखते हैं, उन्हें डिजिटल समाचार प्रसारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब भी देख पहली बार नवंबर 2023 में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था, इसमें प्रसारकों के लिए सभी विनियमनों को एक कानून के तहत संयोजित करने का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब है, जो ये आप कानून लेके आए हो, जो ये टीवी वाले हैं, जो टीवी पर न्यूज बोलते हैं, उनका जो बड़ा प्लेटफार्म है, वो टीवी न्यूज बोलते हैं, उनके बराबर में रखा जा रहा है या उनके साथ रखा जा रहा है यूट्यूबरों को, थोड़ा ये क्लियर कर दे सरकार तो ठीक रहे, क्लियर तो करे सरकार भाई, इन यूट्यूबरों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। अगर आप उनके साथ रखते हो तो उनके पास तो बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा तामझाम है। अब हमारे जैसे तो अपना बैठते हैं, फोन निकाल लिया और अपना वीडियो बना लिया, अपने पास तो कोई टीम नहीं है। या तो जो बड़े यूट्यूब चैनल है जिनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, आप उनको रखोगे, या कोई छोटा मोटा अपना वीडियो यूट्यूब चैनल बना रहा है, कभी कोई बात पे वीडियो है या किसी की बात पे वीडियो है, आप उसको भी रखोगे। अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं है, लेकिन कानून लागू हो जाएगा, करो कानून लागू। लेकिन कम से कम उस कानून को समझाओ लोगों को, चाहे कोई भी यूट्यूबर, हम तो बहुत छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, जो और यूट्यूबर कम से कम उनको तो समझाओ, या सरकार को वीडियो जारी करो भाई, ऐसे ऐसे ये कानून, आपको ये हिदायतें दी जाती है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। लेकिन हिदायत ये नहीं होनी चाहिए भाई, मंडियों और मंडियों के दलालन जो न्यूज बता दी उसकी सच्चाई नहीं बतानी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे, सच तो बोलना पड़ेगा किसी को तो सच बोलना पड़ेगा। फिर तो इसका मतलब, जैसे आपने पीछे 100-150 चैनल बंद किए थे, ऐसे चैनल बंद करोगे आप? ये एक बहाना लेके आते हैं। तीन काले कानून पूरी मतलब जनता को, पूरे देश की जनता को, किसानों को समझ में नहीं आए, लेकिन इनको लग रहा था, नेताओं को लग रहा था बहुत अच्छे कानून है। ऐसा कोई कानून लेके मत आना, अगर कानून लेके आते हो तो पहले उसको समझाओ लोगों को कि भाई ये कानून ऐसे है। आप लोगों को टीवी वालों के बराबर, अगर टीवी वालों के बराबर कर रहे हो तो इतनी बड़ी टीम भी दे दो, फिर सरकार से गुजारिश है कि इतनी बड़ी टीम भी दे दो, ताकि उसके अंदर भाई एडिटिंग करने वाले हों और सब कुछ करने वाले हो। ये बैठ कर अपने टीवी में अपनी न्यूज लिख कर उसका कुछ का कुछ बना के बोलते हैं, उसका क्या होगा सरकारों? उसके बारे में भी सरकारों को कुछ करना चाहिए। जिसको देश का चौथा सदम बोला जाता है, मंडिया को, उस मंडिया के बारे में भी कोई कानून आएगा क्या? एक बार बहुत पहले दूरदर्शन के लिए आया था एक कानून, क्योंकि उस टाइम पर दूरदर्शन होता था। अब तो पता नहीं कितनी दूर दूर के दर्शन करा देते हैं बैठे बैठे ही, हमारे को कोई विमंगल ग्रह पे ले जाते हैं, कभी चांद पे ले जाते हैं। इनके ऊपर कैसे क्या होगा, इनका कोई नियम कायदा कानून होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी एक AI सिस्टम और आ रहा है, उसमें तो और ही ज्यादा गड़बड़ेशन हो रही है। क्या टीवी वालों के लिए कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कम से कम उनको इतना ही बोल दो, तुम सच बोल दो, अगर सरकार की गलती सरकार की बोलो, विपक्ष की गलती विपक्ष की बोलो, तुम सच बोल दो लोगों के सामने, जो जनता की आम सवाल होते वो बोल के दिखाओ। तुम कोई नहीं बनाएगा यूट्यूब के ऊपर वीडियो, अपने कंटेंट ही अलग चेंज कर लेंगे, सभी कंटेंट चेंज कर लेंगे, लेकिन उनको सच्चाई बोलने के लिए तो बोलो, वो तो सच्चाई बोल नहीं रहे, उल्टा नियम थोप रहे आप यूट्यूब चैनल वालों पे। ये गलत है सरकार, ये तो बहुत ही गलत है। इतना यूट्यूब वालों से डर, छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों से इतना डर लगने लगा, कमाल है। लेकिन ये डर देख के अच्छा लगा, ऐसा डर होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना। क्या यूट्यूब वालों के लिए आ रहा, तो क्या मीडिया मंडियों के दलालों के लिए नहीं आना चाहिए कानून? राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।